girls. आज है बहुत बड़ा त्योहार, स्पेशली सब हिंदू औरतों के लिए. आज है करवा चौथ, इसलिए मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ परंपरा के अनुसार. इसलिए मैं सब हिंदू लेडीज को, जिसका आज फेस्टिवल है, मैं मेरी शुभकामनाएं हैं. आज हम भी यहाँ राष्ट्र में पूजा करेंगे. मैं भी व्रत रख रही हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया. हाँ, थोड़ा सा पानी पी लिया, इसके अलावा कुछ नहीं. ये वैसे मेरा तीसरा व्रत है. पहला साल मैंने रखा, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तब नहीं रखा, एक बार पिछले साल भी रखा और इस साल भी मैं रखती हूँ. साड़ी भी पहनी हूँ. आज हम अभी पूजा करेंगे. सो गाइस, अब अभी हम लोग पूजा करनी शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ. लेना तो यहाँ बैठी, लेना तो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी है, तो मैंने सोचा मैं क्यों इंट्रोडक्शन दोबारा शुरू करूँ. तो यहाँ सब देख सकते हो, ये तो ड्राई फ्रूट्स और जो पैसे, ये तो है आपका बायना, जो निकालते हैं बायना निकाल रहे हैं. और दीपक हमने जला दिया है, हल्दी का हमने टीका लगाया है और जल भर दिया है जैसे जैसे है. और ये चावल भी जरूरत पड़ेगी, और जो आगे का जो पूरा जो क्या कहते हैं, जो आगे काम करना है, जो भी पूजा करनी है, शुरू करनी है, तो उसके लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं हिंदुस्तान से हमारे पिताश्री. और वो कैसे कर रहे हैं आप सब लोग जानते हो, आजकल का टाइम इंटरनेट का ज़माना है, तो हमारे पिताश्री यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो. तो पापा भी हमारे को पूजा भी सुनाएंगे यहाँ पे, जो कहानी होती है इसकी मेन, आप मुझे भी देख सकते हो. और अभी पापा यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं. पापा, आप कुछ बोलना चाहो सबके साथ. भाई सभी जो है महिलाओं को, सौभाग्यवतियों को, सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद. आयुष काम है, यशस काम है, पुत्र काम तथेव च, आरोग्यम धन काम से सर्वे काम भवन्तु ते, अखंड सौभाग्यवती. सभी जो है सुख समृद्धि रहे, परिवार में प्रेम रहे, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं. और बहुत को यहीं से बैठ के जो है करवा चौथ की जो कथा है वो यहीं से बैठे बैठे सुना देंगे. वीरवती का तो वो अपने पियर में आ गई, और उसके लाडले भाई से बाजो आदिया सारी उसको अपनी नरेंद्र को बड़ा पेंट. उस कहानी सुन में पे ध्यान दो. एहसान स्त्री नहीं कर रही है ना पुरुष का है, इसमें दोनों के प्रेम को दर्शाने के लिए है. चंद्रमा के दर्शन की जनता, चंद्रमा सुंदरता का है, नए नए वस्त्र पहनने का, इसके लिए भागवों की जय. गणेश जी महाराज सब पे जो है दया करते हैं. एक नगर में एक बुढ़िया थी और एक उसका बेटा था. तो अब वो जो है बुढ़िया तो बहुत गणेश जी का नाम लिया करती थी, पर बहू जो है गणेश जी का नाम दिया नहीं करती, किया नहीं करे. गणेश जी ने उसको जो है ध्यान कराया, उसे सारी लीला हुई. तब वो भी जो है बहू भी गणेश जी का ध्यान करने लगी, उनकी पूजा करने लगी, और उसे जो है सारे सुख समृद्धि के उसने भगवान से जो प्रार्थना की उसे सब कुछ मिला. श्री गणेश जी महाराज की जय. ये हमारे पिताश्री को चरण स्पर्श कर रही है, और अब पिता हार हमारे पति देव के चरण स्पर्श. जीती रहो सौभाग्य, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा. जितने भी आचरण, सौ पुत्र की जरूरत नहीं है, एक ही पुत्र बहुत है अभी तो, समझदार सा पुत्र. ये लेना मैडम जी कहनी है सौ पुत्र. सात्विक तुम भी चरण स्पर्श करो. सात्विक पैर छुओ मेरे, ऐसे छुओ पैर. नमस्ते कर लो, अच्छा नमस्ते कर लो.
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है दोस्तों, सबको, सभी महिलाओं को वंस अगेन शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ कोई छत नहीं है कि हम दिखाए आपको कि हम जल कैसे चढ़ाया, ना हम चंद देख पाए क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है चंद इस टाइम, बादल है, पर नेट से हम देख चुके हैं, इसलिए हमारे ये फेस्टिवल एंड तक पहुंच गया। और अभी आकाश हमारे मेरे लिए चाय बना रहा है। यस ऑफ कोर्स भाई, तुम मेरे लिए, मेरी क्या कहते हैं, पूरे जीवन जो और बढ़े मेरी उम्र के लिए तुमने व्रत रखा है, फास्ट रखा है, तो मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ और अभी खाना भी बनाऊंगा। मैंने पनीर वनीर बनाने की तैयारी कर दी है, मैं आज पनीर और पूरी बना के खिलाऊंगा इसको। बस आज आज के लिए आई है, कल से सुबह को तुम ही चाय बनाना। ठीक है, चलो फिर मत भूलना हमारे वीडियोस लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। हम वेट करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर मिलेंगे। दस्विदानिया दस्विदानिया।